हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ माल्टा क्लासेस। वेल आई नो कि COVID-19 की वजह से जो प्रिपरेशन कर रहे थे हमारे एस्पिरेंट्स 2020 के, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। दैट्स वाई आज हमारा टाइटल ही है फ्रस्ट्रेटेड MCA एस्पिरेंट्स। एंड जो 2021 के स्टूडेंट्स हैं उनका स्टेट जो है काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, बिकॉज वो समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है, अभी वेट करें ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने का कि ऑनलाइन मोड में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ऐसा तो नहीं कि वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और सिलेबस कम हो जाएगा, लाइक बहुत सारे डाउट्स हैं 2020 और 2021 के जो MCA एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में। सो आज हमारा सेशन जो होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों के डाउट्स सॉर्ट आउट कर सकें। सबसे पहले हम जो टॉपिक्स उठाएंगे वो 2020 बैच के स्टूडेंट्स के लिए होंगे, तो 20 बैच के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी डाउट हैं वो मेंशन कर दें ताकि हम उनके आंसर जल्दी जल्दी दे सकें। बिकॉज वंस यू विल मूव टू द सेशन ऑफ 2021, सो मुश्किल होगा कि मैं 2020 बैच के स्टूडेंट्स के रिप्लाई दे सकूं। सो 2020 एस्पिरेंट्स, बी क्विक वाइल आस्किंग यू क्वेश्चंस सो दैट योर क्वेरीज कैन बी सॉल्व टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वी विल डिस्कस द प्रिपरेशन प्लान फॉर द बैच ऑफ 2020। ये जो बैच है काफ़ी सरप्राइजिंग बैच था मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे इसमें बच्चे ऐसे थे जो प्रिपरेशन पहले नहीं कर रहे थे MCA एंट्रेंस की, जिन्होंने सोचा था कि जो प्रिपरेशन होगी वो हम 2020 में शुरू करेंगे और 2021 में हम अपना एंट्रेंस देंगे, हम एक साल का गैप लेंगे। पर ये जो ऑलरेडी ये गैप मिल गया बच्चों को 2020 में ही, इतना आई थिंक 5 महीने का तो आराम से आप लोग को मिल ही गया गैप। तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जो 2021 को एम कर रहे थे, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फॉर NIMSA 2020 और वो कोशिश में है कि 2020 में ही उनका एंट्रेंस क्लियर हो जाए और वो किसी एग्जाम किसी यूनिवर्सिटी या NIT में एडमिशन ले रहे हैं। सो फिर ऐसे वे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की वो तो अभी अपनी प्रिपरेशन में ही पूरा बिजी हैं, पर बहुत जो बच्चे 2020 की में जिनका टारगेट पहले से 2020 था और वो शुरुआत से प्रिपरेशन कर रहे थे, उन बच्चों के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो गया ये पीरियड। ओके, जो 2020 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मन में बहुत सारे लाइक इतने डाउट्स हैं कि कोई आंसर करने बैठे शायद पूरा दिन बीत जाए। बिकॉज 2020 वाले जो एस्पिरेंट्स थे आप उनकी प्रिपरेशन मतलब वो इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर चुके हैं, वो बोर भी हो चुके हैं, उनका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है एंड दे आर कन्फ्यूज कि अब क्या करें, मतलब क्योंकि डेट्स भी क्लैरिफाई नहीं हो रही हैं, एग्जाम ऐसी सिचुएशन बन भी नहीं रही है, लग नहीं रहा है कि कोई एग्ज़ाम हो पाएगा इस सिचुएशन में। और अभी तक BHU ने, MMM ने या फिर NIMSET ने अपनी डेट्स अपडेट भी नहीं की एग्ज़ाम की, तो स्टूडेंट्स आर इन वेरी यू नो कन्फ्यूज स्टेट। ओके, सो जितनी क्वेरीज हैं वो भी यही हैं कि NIMSET पोस्टपोन होगा कि नहीं, 2020 एग्ज़ाम होगा या नहीं, हाउ टू क्लियर NIMSET 2020। ओके, सो गणेश, अगर आपकी क्वेरी को हम लेके बात करें कि NIMSET 2020 क्लियर कैसे होगा, सो पहले तो आप क्लैरिफाई करिए गणेश, आपने शुरुआत आप शुरू से प्रिपरेशन कर रहे थे कि आपने ये ब्रेक में ही प्रिपरेशन करना शुरू किया? बिकॉज अगर आपने अभी प्रिपरेशन करना शुरू किया है तो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम कि आप जो मेन टॉपिक्स होते हैं आप एनालिसिस चार्ट देखिए, वी हैव अपलोडेड वन वीडियो जिसमें पूरा एनालिसिस दिया गया है मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम मतलब क्लियर करने के लिए, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप वो जो हमारा एनालिसिस चार्ट है जो हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको एक बार उसका जो वीडियो है वो ज़रूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन से यू नो टॉप टॉपिक हैं, टॉप 5 टॉपिक्स आप पिक कर लीजिए हर टॉपिक हर सेशन के, रीजनिंग के, ओके, मैथ्स के और कंप्यूटर के। इंग्लिश में आपका वोकैबुलरी अगर आप ठीक कर लेंगे थोड़ा बहुत तो दैट्स सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में। ओके, मैथमेटिक्स पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ध्यान मैथमेटिक्स पे दें, मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स टॉप 5 अगर आप कर ले रहे हो उसके बाद भी आपको टाइम बच रहा है तो आप और टॉपिक्स उठाइए मैथ्स के। ओके, टॉप 5 टॉपिक्स तो हर सब्जेक्ट के आप कर ही लीजिए और फिर उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आपका टारगेट एग्ज़ाम हो उसके सॉल्व कर लें।
देन मूव ऑन टू टेस्ट सीरीज़। ऑनलाइन टेस्ट बहुत सारे पोर्टल्स पे अवेलेबल हैं। वी आर सेल्स आर प्रोवाइडिंग डेली मॉक टेस्ट फॉर यू नो वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, निमसेट, BHU, JNU, MMU, CET महाराष्ट्र। वी आर प्रोवाइडिंग मॉक टेस्ट फॉर एवरी यू नो एग्जामिनेशन। पर डे हम किसी ना किसी एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट ज़रूर करवाते हैं। तो आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी और वेबसाइट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दैट्स योर विश, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट गो फॉर ऑनलाइन टेस्ट, जितने ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं उसे दीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे और इम्प्रूव कीजिए। ओके, तभी आपका जो निमसेट है क्रैक कर पाएंगे आप। जो स्टूडेंट्स 2020 के शुरुआत से प्रिपेयर कर रहे थे और अब वो थोड़े से डीमोटिवेट हो चुके हैं क्योंकि डेट इतना एक्सटेंड होती जा रही है, उनको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उन्हें प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है। आई नो इट्स टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ यू कि आप इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे और टाइम बढ़ता जा रहा है, तो नेचुरल सी बात है इंटरेस्ट जो है वो आपका डिमिनिश होने लगता है, वो डिक्रीज होने लगता है। बट आपको मीन सेल्फ मोटिवेशन रखना है, आपको लगातार प्रिपरेशन करते रहना है। हाँ, आप अगर कन्फ्यूज नहीं कह सकते, अगर आप बोर हो रहे हैं तो चूज़ एन ऑल्टरनेट ऑप्शन। लाइक अब आपको MCA करना है तो MCA के लिए आप बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए अभी से। जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, जिनका प्रिपरेशन अब काफ़ी अच्छे से हो चुका है, उनको क्या करना है, उन्हें अभी भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ के बैठ जाना है अपनी तैयारी, उन्हें अभी भी अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। उन्हें पर डे एक मॉडल तो कम से कम देना ही है। ओके, जो 2020 के एस्पिरेंट्स हैं उनको पर डे वन मॉडल पेपर देना है। नो मैटर, ज़रूरी नहीं कि आपका टारगेट निमसेट है तो आप रोज़ निमसेट का ही मॉडल दें। आप मॉडल, अगर आपका टारगेट निमसेट है तो अगर आप BHU, JNU, KIT इनमें से भी किसी का मॉडल अगर आपको देने मिल रहा है ना तो वो भी दीजिए आप, क्योंकि मैथमेटिक्स तीनों पेपर्स में पूछी जाती है, रीजनिंग तीनों पेपर्स में पूछी जाती है, तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम ऐसे फालतू नहीं है। इन सब एग्ज़ाम से आपको आइडिया मिलेगा, एक मैथ्स के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, रीजनिंग के डिफरेंट क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप खुद एनालिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा कि KIT का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा निमसेट के पेपर में, या JNU का आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा निमसेट के पेपर में, आपको BHU में निमसेट का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको, मतलब क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं RD शर्मा या PBS सिजवारी, स्टैंडर्ड कुछ बुक्स होती हैं उनसे हेल्प ली जाती पेपर डिज़ाइन करते टाइम, तो आपको क्वेश्चन सिमिलर मिल सकते हैं। इसलिए बहुत, मतलब बच्चों का जो एटीट्यूड होता है कि मुझे निमसेट मेरा टारगेट है तो मैं KIT का मॉडल क्यों दूँ, फ्री में आपको अगर ये मॉक टेस्ट देने को मिल रहे हैं तो बिल्कुल दीजिए। आपको जब आपकी प्रिपरेशन है ना बहुत अच्छी हो जाएगी और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। ओके, तो जो 2020 एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको पर डे वन मॉडल पेपर देना है। फिर वो मॉडल पेपर देने के बाद आपको बैठ नहीं जाना है, आपको अपना मॉडल पेपर देने के बाद क्या करना है, एनालिसिस करनी है अपनी प्रिपरेशन की। ओके, आपको अपने टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, यू नो जो गलत किए हैं उनका आपको सॉल्यूशन निकालना है, जितने क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए उनका सॉल्यूशन आपको कलेक्ट करना है, आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से करना है कि आप वो क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाए। ओके, इस तरीके से जब आपका पेपर पूरा ख़त्म हो जाए, ओके, मॉडल पेपर देना मतलब सिर्फ दे के छोड़ देना नहीं, पेपर देने के बाद जो क्वेश्चन नहीं है उनका आपको उनको भी सॉल्व करना है, आपको अपने आंसर्स भी करेक्ट करने हैं हर क्वेश्चन के। इसके बाद आपको जो टाइम बचता है, इसके बाद भी अगर आपको टाइम बच रहा है तो आपको क्या करना है, आपको कोई एक टॉपिक डेली लेना है जो आप पेपर में नहीं अटेम्प्ट कर पाए, जो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा वीक पड़ रहा है या मैं ये भूल रहा हूँ, वो टॉपिक आपको रिवाइज़ करना है। मुश्किल से 1 घंटा लगेगा रिवीजन में आपको। उसके बाद मतलब ये सब करने में आपको मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, 5 आवर्स अब मैक्सिमम ड्यूरेशन होगी। बहुत बच्चों का 3 घंटे में भी ये काम ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कोई नहीं है, मैं मैक्सिमम ड्यूरेशन कह रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 घंटे लगेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी है अपने MCA के लिए। MCA के प्रिपरेशन मतलब कोडिंग करना शुरू कर दीजिए। ओके, बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी में अपना एक यू नो बना लीजिए, अकाउंट बना लीजिए, वो मैं डिस्कस करूँगी आगे कि आपको MCA की प्रिपरेशन के लिए आगे क्या करना है, वो मैं आगे स्लाइड्स में डिस्कस करूँगी। इतना आपको अपनी MCA एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए करना है। ओके, बाकी मैं अभी जो आपसे डिस्कस करूँगी वो आपको MCA कोर्स में आपके हेल्प करेगा, तो वो भी अब आपके पास इतना टाइम है तो आप वो भी शुरू कर दीजिए। ओके, सो लेट मी आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस, बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं।
सी 2020 एग्ज़ाम होगा कि नहीं, या एग्ज़ाम निमसेट एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं, या फिर BHU की एग्ज़ाम डेट, ये जो क्वेश्चन है बेटा, आई नो आप सब बहुत परेशान हैं कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो उनकी डेट्स क्यों नहीं क्लैरिफाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ और या फिर NITs। आई नो आप सब परेशान हैं, बट ये भी आपको समझना चाहिए कि हम उनसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हैं। ऐसा नहीं कि वो हमें मतलब सर तुरंत हमें नोटिफिकेशन सब पता रहता है, हम मेल करते रहते हैं, जैसे ही उनका एग्जैक्ट कोई रिप्लाई आ जाएगा वी विल इन्फॉर्म यू। ओके, सबसे पहले हम आप ही को इन्फॉर्म करेंगे, बट अभी लाइक वी ऑल्सो हैव नो क्लू अबाउट दी रीशेड्यूल डेट्स और अबाउट दी पोस्टपोनेशन ऑफ एग्जामिनेशन। अभी हमें भी कोई क्लू नहीं है, जैसे आपको नहीं है। प्रोबेबिलिटी है कि एग्जामिनेशन कैंसिल या पोस्टपोन हो जाने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन है जो करंट पैंडमिक सिचुएशन है, इसमें कोई कोई भी अभी तक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया है। ऑनलाइन मोड में भी कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं दिख रहा है फिलहाल करंट सिनारियो में। अगर ऐसा होता तो JEE कंडक्ट करा लिया जाता, नहीं कंडक्ट कराया गया वो भी, तो मुश्किल है बहुत कि अभी आपका एग्ज़ाम जो डेट्स दी गई उस पर हो। ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पोस्टपोन हो जाएगा, बट जब तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ऑल वी कैन डू इज़ वेट, ओके, फॉर द बेस्ट। बिकॉज जब तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हमारा कुछ कहना या आपका भी कुछ मान लेना सही नहीं होगा। वी शुड वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ओके, रीजनिंग और इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ लिया है। ओके आदिति, अगर आपने रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर पढ़ लिया है तो फोकस ऑन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा पोर्शन कवर करता है आपके नेमसेट एग्जामिनेशन में। BHU की बात कर लें चाहे JNU की बात कर लें, अगर आपको मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आपके लिए साल जितने एंट्रेंस एग्जाम हैं MCA के देना बहुत आसान हो जाता है। बिकॉज हर पेपर में इनफैक्ट जितने भी पेपर्स आप MCA एंट्रेंस के देखोगे एक्सेप्ट PIT, ज़्यादातर पेपर से मैथमेटिक्स मेजर पोर्शन कवर करता है, उसका वेटेज भी ज़्यादा होता है। सो अगर आपको मैथमेटिक्स गुड है देन यू आर ऑन द सेफर साइड। ओके, सो मैथमेटिक्स को साइड बिल्कुल नहीं रखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मेरा मैथमेटिक्स वीक है, मैंने रीजनिंग कंप्यूटर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैं इसके बेसिस पे निमसेट निकालूंगा, ऐसे मत करना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वीक है आपका मैथ्स तो कम से कम आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर ले, कम से कम जो बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे निमसेट में 10-12, आप वो तो आपको करने ही हैं। जो मीडियम लेवल के आएंगे वो करने की कोशिश आपको करनी ही है। आप बिल्कुल मैथ्स छोड़ के सोचें कि हम निमसेट निकाल लेंगे या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ निमसेट पोस्टपोन कैन बी पॉसिबल और नॉट? रोहित, इट्स पॉसिबल कि निमसेट पोस्टपोन हो जाए, पॉसिबिलिटी तो इसी चीज़ की ज़्यादा है कि निमसेट पोस्टपोन होगा, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हम बिल्कुल डिक्लेयर नहीं कर सकते फाइनल कि हाँ पोस्टपोन हो चुका है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी है कि पोस्टपोन हो जाएगा, बट स्टिल वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैडम, एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर कितना टफ होगा? अब अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 2018 का जो पेपर था वो पिछले जितने MCA एंट्रेंस के पेपर्स आए थे निमसेट के उनके कंपैरिजन में काफ़ी टफ था। फिर 2019 वाला उससे भी टफ था, और नाउ इट्स 2020, तो ये ईयर वैसे ही काफ़ी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि 2 साल से निमसेट का जो पेपर था वो दूसरी NIT कंडक्ट करा थी, इस साल रायपुर कंडक्ट करा रही है। तो पेपर पैटर्न मतलब डिपेंड करता है कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट पे कि वो कैसा डिज़ाइन करते हैं, ईजी करते हैं कि टफ़ करते हैं, और जो करंट सिचुएशन है अब उसके हिसाब से भी बहुत फ़र्क पड़ने वाला है पेपर पे। हो सकता है कि पेपर अब आसान हो क्योंकि इतना गैप मिल गया है, बट जो पेपर सेटर होता है उसके माइंड सेट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हो सकता है वो बहुत टफ पेपर बनाते कि आप लोग को इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिला है, आप लोग का लेवल ऑल अच्छा हो चुका होगा। सो पेपर पैटर्न के बारे में अभी कुछ कमेंट करना इट वुड नॉट बी लॉजिकल और इट कैन बी इनअप्रोप्रिएट ऑल्सो कि कैसे करेंगे हम, मीन्स पेपर पैटर्न कैसा आएगा उसके ऊपर कमेंट करना इनअप्रोप्रिएट राइट नाउ। मिनिमम कट ऑफ निमसेट जनरल कैटेगरी, ऐसी मिनिमम कट ऑफ जो है आपका, आप रैंक के बेसिस में सोच सकते हैं। ओके, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ मार्क्स के बेसिस पे मत सोचा करिए कि मुझे इतना टारगेट रखना है, रैंक के बेसिस पे डिसाइड किया करिए मुझे ये टारगेट रखना है। तो अगर मिनिमम रैंक आपकी देखें तो जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 500 के अराउंड है, मीन्स दैट्स मिनिमम, तो आपको मीन्स जो लास्ट की NITs होती हैं वो मिलती हैं, बाकी अगर उसके पार है तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा सिचुएशन। ओके, यू आर नॉट ऑन द सेफर साइड इफ योर रैंक इज़ अबव 500 जनरल कैटेगरी के, तो 500 के अंडर आपकी रैंक होनी ही चाहिए तभी आपको कोई
एनआईटी ठीक ठाक मिलेगी। ओके मैम, मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, टेस्ट भी बहुत कर लिया, अब की टेस्ट सीरीज़ में टॉप 10 में आ रही है रैंक, अब और क्या करना चाहिए निमसेट के लिए? आरडी, अच्छा मतलब दिव्या गोयल ने सारी प्रिपरेशन कर ली है, टेस्ट सीरीज़ भी दे ली है। ओके दिव्या, सी आपको मैंने पहले ही बताया कि जो स्टूडेंट शुरुआत से प्रिपरेशन कर रहे थे उनकी प्रिपरेशन अब काफ़ी अच्छे लेवल पे हो चुकी है। उनको क्या करना है, पर डे आप एक जो मॉडल जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी, जिस भी वे में आप टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं, प्लीज़ आपको छोड़ना नहीं है अभी भी अपनी प्रिपरेशन। आप एक पर डे एक मॉडल पेपर ज़रूर दीजिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का दीजिए, पर दीजिए। ओके उसका एनालिसिस करिए, आपका सब कर लेते हैं, आपको कुछ वीक नहीं है तो ठीक है, इतना सफिशियंट है, इतना आप 1 से 1 घंटे आप तो पेपर ही देंगे, 1-1.5 घंटे, उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे, 3 घंटे आपको लग जाएंगे आंसर्स कलेक्ट वगैरह करने में। ओके इतना तो आपको करना ही है, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं अभी आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करूँगी। उसके बाद आपको प्रिपरेशन करनी है अपने एमसीए कोर्स की, कि आप जब एमसीए करने जाएंगे तो उसके पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, हम वो डिस्कस करेंगे। तो वो अब आप कर सकते हैं दिव्या, आप और आपके जैसे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको अब यही करना चाहिए जो मैं आगे स्लाइड्स में डिस्कस करने वाली हूँ। ओके निमसेट एंड बीएचयू क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे मैम? सी निमसेट के लिए जो अगर मैं बोलूँ कि आपकी मार्क्स, मैंने जैसे बताया कि मार्क्स पे मत डिपेंड रही, रैंक की आप एक आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि मार्क्स वेरी करते हैं। पिछले बार बहुत कम मार्क्स में, मीन्स जिनका 350 मार्क्स भी था वो भी बहुत सेफ साइड पे थे, उनको टॉप 6 NITs में से 1 NIT मिल गई। सो मार्क्स के बेसिस में डिपेंड रही। इसके पहले क्या था, जिनका 400 था, 400 के अराउंड था, उनको मिली थी टॉप 4 NITs में से 1 NIT। सो मार्क्स के ऊपर मत डिपेंड रही है, टारगेट रखिए अपनी रैंक को। मार्क्स वेरी करते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर, पेपर के लेवल के ऊपर, रैंक को लेके चलिए आप सेफ रहेंगे। और रैंक को लेके मैंने एक लाइव सेशन ऑलरेडी लिया था, उसमें पूरा चार्ट एनालिसिस कि किस रैंक के बीच में कौन सा कॉलेज अलॉट होता है, अलॉन्ग विद दी मेंशन कैटेगरीज ऑल्सो, कि किस कैटेगरी में कितनी रैंक होनी चाहिए तब आपको कौन सा कॉलेज मिलता है। इट वुड बी गुड, अगर आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया चाहिए तो आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिए, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे है अपलोडेड, उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि क्या रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। ओके कौन मैम, आई गॉट ओनली 54% बीएससी में एमसीए करना चाहता हूँ, निमसेट नहीं दे सकता तो मैं क्या करूँ? दिव्यांशु, यू हैव मेनी मोर ऑप्शंस, लाइक निमसेट इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन फॉर एमसीए एस्पिरेंट्स, गो फॉर जेएनयू। जेएनयू बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है एमसीए के लिए, जेएनयू है, बीएचयू है आपका, ओके दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, ये सब यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि निमसेट नहीं दे पा रहे तो बिल्कुल होपलेस है, निमसेट नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, गो फॉर देम, एम फॉर जेएनयू। जेएनयू काफ़ी डिफिकल्ट होता है, निमसेट के कंपेरिजन मुझे जेएनयू ज़्यादा टफ लगता है इनफैक्ट, क्योंकि जेएनयू में सीट्स बहुत कम हैं, तो वहाँ पे एडमिशन लेना इज़ रियली टफ। तो अगर आप निमसेट नहीं दे सकते हैं देन एम फॉर जेएनयू, देन कीप यू नो बीएचयू इन योर स्टैक, तेजपुर जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आप उसको रखिए अपनी उसमें लिस्ट में। ओके टॉप 3 NIT के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं निमसेट में? हर्ष, मैंने पहले मेंशन कर दिया कि मार्क्स को टारगेट मत बनाइए, रैंक को टारगेट बनाइए। अगर आपको टॉप 3 NITs में एडमिशन लेना है निमसेट में तो 150 के अराउंड आपकी रैंक होनी चाहिए, देन आपको एडमिशन मिल जाएगा टॉप 3 NITs में। ओके सो आई थिंक आई हैव आंसर योर क्वेश्चन मैम। क्या 6 मंथ में निमसेट के प्रिपरेशन कर सकते हैं? डिपेंड करता है आप कितने डेडिकेटेड हैं, अगर आप 7 से 8 घंटे लगे हुए हैं प्रिपरेशन में, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये नहीं है कि आप प्रिपरेशन के नाम पे बैठते हैं 7 घंटे पर उसमें 4 घंटे आप फ़ोन चला रहे हैं, ये सब नहीं करना है, आप सिंसियरली रोज़ 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं अच्छे से, सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं, तो यस आप निमसेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत अच्छी रैंक ले आएंगे, टॉप 3 NIT से पहुँच जाएंगे, पर यस आपको NIT तक आप पहुँच सकते हैं। ओके जो लोअर NITs होती हैं लाइक 4th-5th पोजिशन पे होती है, आप उन पे पहुंच सकते हैं अगर आप ठीक से प्रिपरेशन कर लेते हैं 6 महीने। VIT में एग्जाम नहीं होगा मेरिट लिस्ट से? ओके VIT का तो आई थिंक जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे उनके नाम भी आ गए, आई थिंक चेक फॉर दैट, जो VIT को एम कर रहे थे। मैम आरडी शर्मा करें या अरिहंत? आरडी शर्मा करिए शशि, आरडी शर्मा इज़ बेस्ट फॉर एमसीएमएस प्रिपरेशन। ओके कोडिंग कैसे सीखें? यस आई एम जस्ट गोइंग टू आंसर अबाउट ऑल क्वेश्चंस लाइक कोडिंग और एमसीए की प्रिपरेशन के लिए, एमसीए कोर्स की प्रिपरेशन के लिए क्या करना है। ओके दिव्यांशु, आई थिंक आप आंसर योर क्वेश्चन लाइक
यू हैव स्कोर 52% इन 10+2, एम आई एलिजिबल फॉर निमसेट BHU? दिव्यांशु, आपका जो लाइक निमसेट होता है वो डिपेंड करता है आपके जो निमसेट हो चाहे BHU JNU, आपके 10+2 लेवल के परसेंटेज पे नहीं डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन योर ग्रेजुएशन परसेंटेज। तो ग्रेजुएशन में आपका कितना परसेंटेज आया है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका 60% है और उसके अबव है देन यू आर एलिजिबल फॉर निमसेट। अगर आपका 60 से नीचे है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर निमसेट। अगर आपका 55 है देन यू आर एलिजिबल फॉर BHU एंड JNU। सो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक सेशन में कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कितना परसेंटेज चाहिए। सो यू कैन वॉच दैट, आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए क्या क्या और ऑप्शंस हैं। ओके, सो यस, अजीज़ुर रहमान, BCom स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर निमसेट बट नो सॉरी 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 अजीज़ुर, BCom स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर MC एंट्रेंस नॉट फॉर निमसेट। निमसेट के लिए आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल पे। आप निमसेट के लिए नहीं एलिजिबल हैं बट आप BHU के लिए एलिजिबल हैं, तो आप BHU को टारगेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ओके, नाउ मैंने निमसेट 2020 प्रिपरेशन के लिए तो बहुत सारे आंसर दे दिए। नाउ वी शुड मूव टू द टॉपिक कि जो शुरुआत से 2020 की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है, तो अब जो उनके पास खाली टाइम दिन भर में बच रहा है उन्हें क्या करना चाहिए। ओके, पहली चीज़ तो मैंने बोला आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको एक मॉडल दिन में लगाना ही है। थोड़ी बहुत आपको मतलब अभी भी 3 से 4 घंटे आपको अभी भी अपनी प्रिपरेशन को देने हैं, बिल्कुल छोड़ के नहीं बैठ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम देना है MCA की प्रिपरेशन के लिए। ओके, MCA कोर्स जो आप करने वाले हैं उसमें आपको टाइम देना है। तो उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको अपना बेस थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस, कुछ जो स्टूडेंट्स नॉन CS वाले हैं जिनका बिल्कुल मतलब कंप्यूटर साइंस में पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, क्या लैंग्वेजेस होती हैं, कैसे हम शुरुआत करें, कैसे हम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। ओके, तो उन स्टूडेंट्स को अब ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनको काम करना शुरू कर देना है इन सब चीज़ों पे, उन्हें अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देना है अभी से। ओके, वो कैसे करना है, हम अपने बेसिक्स पे कैसे काम करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस मीन्स कंप्यूटर साइंस के हम किसी भी टॉपिक की बात करें, लाइक मैथमेटिक्स में मैं अगर बोल दूँ आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, देन यू विल हैव अ क्वेश्चन कि मैथमेटिक्स में एलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट है, ओके, स्टैटिस्टिक्स है और कैलकुलस है। बेसिक स्ट्रॉन्ग करना मतलब मैं किसको पढ़ने लगूँ जाके, क्योंकि ऐसे तो हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तो 2-3 महीने में नहीं हो पाएगा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सो कंप्यूटर साइंस के दो मेन चीज़ें जो अभी आपको जिन पे काम करना है कॉलेज जाने से पहले आपको इम्प्रूव करने हैं वो होंगी आपके लैंग्वेज फंडामेंटल्स, ओके, एंड कोडिंग। लैंग्वेज फंडामेंटल और कोडिंग पे आपको अभी से काम करना शुरू कर देना है। ओके, लैंग्वेज फंडामेंटल मतलब जो भी आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक सी, C++, जावा, ओके, पाइथन, ये जो लैंग्वेजेस होती हैं मतलब इस समय मोस्ट पॉपुलर हैं, आपके करिकुला में भी आपको देखने को मिलेंगी। ओके, कुछ कॉलेजेस शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में सी से, कुछ शुरू करते हैं C++ से। ओके, NIT त्रिची में डेटा स्ट्रक्चर्स पहले होता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। ओके, और कुछ जावा खैर किसी कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आती है, सेकेंड या फिर थर्ड सेमेस्टर में आएगी। पाइथन करिकुलम में आपकी नहीं होगी बट आपको आगे सीखनी पड़ेगी, मतलब आप अगर सीखनी पड़ेगी, क्या इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट का, आप सीख लेंगे पाइथन तो अच्छा है। एक करेंट में बहुत ही डिमांडिंग लैंग्वेज है, प्लेसमेंट वगैरह में या फिर इंटर्नशिप्स में बहुत डिमांड है इसकी, पूछा जाता है, तो पाइथन सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। पर फिलहाल आपको, आप बिगिनर हैं तो आपको पाइथन पे भी ध्यान नहीं देना है, जावा पे भी आपको ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है किस पे, सी या फिर C++। इन दोनों में से कोई एक भी लैंग्वेज आप सीख लेंगे ना, दैट्स वेल सफिशियंट, इतना बहुत है। अगर आप एग्जाम कॉलेज में एंटर करने के पहले आपको एक लैंग्वेज इनमें से आती है देन यू आर टू गुड टू स्टार्ट योर MCA। ओके, तो इन दोनों में से एक चीज़ आपको करनी है, या तो आप सी लैंग्वेज सीखना शुरू कर दीजिए या C++। बेटर होगा कि आप जो हैं C++ सीखें। ओके, C++ अगर आप सीखेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन होगा, बिकॉज जब आप कोडिंग करेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट C++ में ही कोडिंग भी करते हैं,
क्योंकि कोडिंग में हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL, या आप जब कॉलेज जाएंगे तब आपको पता चलेगा इसके बारे में। अभी इसके लिए परेशान मत होइए, पर ये समझ लीजिए कि कोडिंग में मोस्टली स्टूडेंट 70% ऑफ स्टूडेंट तो C++ में ही करते हैं, तो आप भी मेरे हिसाब से आप में ज़्यादातर भी C++ को ही ऑप्ट करेंगे अपनी कोडिंग लैंग्वेज के रूप में। मेरी एडवाइस ये होगी कि आप C++ सीखना शुरू करें। अगर आपको C++ आ जाएगी तो सी भी, आई मीन्स ऐसा नहीं कि आपने सी आती तो आप C++ सीख सकते हैं, आपको अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिंटैक्सेस सेम होते हैं, ज़्यादातर चीज़ें सेम होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है। ओके, प्रिंट की जगह यहाँ पे सी आउट यूज़ किया जाता है, और स्कैन एफ की जगह यहाँ पे सी इन यूज़ किया जाता है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बाकी लॉजिक्स वगैरह सेम होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट लूप सब सेम वर्क करेंगे। C++ में आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ओके, जो कि सी में नहीं होंगे। ओके, ऊप्स कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ऊप्स कॉन्सेप्ट भी आपके प्लेसमेंट में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए C++ ज़्यादा डिमांडिंग इन कंपैरिजन टू सी। ओके, सो मेरी एडवाइस होगी कि आप लोग C++ सीखना शुरू कर दीजिए जिन्हें नहीं आती है, और जिन्हें कुछ भी नहीं आता है वो भी C++ से शुरुआत करें। अगर आपके कॉलेज में सी होगी और आपको C++ आती होगी तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक दो दिन में समझ जाएंगे कि सी में वही कोड कैसे लिखना है। ओके, लैंग्वेज फंडामेंटल क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है, मीन्स क्लियर करने के बाद क्या, मेरे हिसाब से पैरेलली आपको शुरू कर देना है। लैंग्वेज फंडामेंटल के साथ साथ आपको कोडिंग करना भी शुरू कर देना है। कोडिंग करना शुरू कर देना मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल महारथी हो जाएंगे एक दो दिन में, परेशान मत होइए। शुरू करना मतलब कुछ नहीं, तो आप अकाउंट बनाइए किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म में। ओके, सिंपल से क्वेश्चन लाइक ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब करना सीखिए। नहीं वो भी समझ में आ रहा तो लिखे हुए जो कोड है उन्हें देखिए कैसे लिखा गया है, क्या तरीका है। ओके, कम से कम वो जो एनवायरनमेंट है जो कि ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म है उससे आप अवेयर होइए कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, हम ये यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, अपनी MCA के दौरान अपनी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, ताकि वहाँ पे जाके आपका जो बोलते नहीं है सब सब आपको रेडी हो। लाइक हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम प्रिपरेशन करके रखते हैं, अपना बैग वगैरह पैक करके रखते हैं, बस जब जाना होता है हम उठा के चल जाते हैं। तो आपकी वही कंडीशन हो जानी चाहिए कि जब आप कॉलेज पहुँचे तो आपका पूरा एनवायरनमेंट सेटअप हो, मतलब आपको सब पता है कहाँ से क्या होना है। आपको इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा कोडिंग प्लेटफॉर्म अच्छा है, अच्छा ये कोडिंग प्लेटफॉर्म है, आप चार लोगों से पूछ रहे हैं, हफ्ता भर आपको इसमें लग गया, आपने सब जगह अकाउंट बनाया, फिर आपने करके देखी कोडिंग, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कोडिंग मतलब आपके लिए कौन सा अच्छा है, फिर आप जाके एक दो महीने बाद किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म से मतलब कंफर्टेबल हो पाएंगे, फिर कोडिंग करना स्टार्ट करें। ये सब टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, ये सब जो करना है आपको अभी कर लेना है। ओके, ये सब चीज़ें आपको अभी कर लेनी ताकि कॉलेज जाके आपको बस डेली प्रैक्टिस को अपनी टाइम देना है। आपको ये सब अकाउंट नहीं बनाना है, आपको ये नहीं डिसाइड करनी कौन सा कोडिंग प्लेटफॉर्म मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कहाँ से मुझे सीखनी है। ओके, ये सब आपको करना है। ओके, नाउ दिव्या गोयल सेइंग दैट वेब डेवलपमेंट C++ आता है। ओके दिव्या, आपको इतना आता है देन गो फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ओके, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग सीखिए, पाइथन सीखिए, पाइथन के बेसिक ट्यूटोरियल्स जो होते हैं सीखिए। बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यूडेमी है, कोर्सेरा है, उस पर कोई कोर्स अप्लाई कर दीजिए। ओके, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के वीडियोस देखिए, रुकिए मत, वेब डेवलपमेंट आता है तो वेब डेवलपमेंट रिएक्ट इज इन डिमांड, ग्रेट डिमांड, और उसके आपको ट्यूटोरियल इतनी आसानी से अच्छे ट्यूटोरियल्स नहीं मिलेंगे, तो सीखिए उसके बारे में। ओके, कंप्यूटर साइंस इतना वास्ट फील्ड है कि आप ये नहीं कभी नहीं कोई नहीं कह सकता कि मुझे सब आता है, देर इज ऑलवेज समथिंग लेफ्ट टू लर्न। ओके, तो जो बच गया है उस पर ध्यान दीजिए, वो लर्न कीजिए, हमेशा आपके पास नया सीखने के लिए मतलब कोई अंत नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, इनफैक्ट लर्निंग का कोई अंत नहीं है। अगर आपको इतना आता है तो और आगे सीखिए। ओके, नाउ लेट मी आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। हाउ इज विप्रो विल, मेरे हिसाब से तो विप्रो आपको, अगर आप MCA एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप MCA करने जा रहे हैं किसी अच्छे कॉलेज से, देन विप्रो को अपनी लिस्ट में बिल्कुल मत रखिए। ठीक है, इट्स एन मीन्स बेलो देन एवरेज कंपनी अकॉर्डिंग टू मी, डोंट एम फॉर दैट। मैम जेई मेन्स के बुक कैसी है NIMCET के लिए? जेई मेन्स की बुक पे तब आइए जब आप आप ऑडिशन ऑब्जेक्टिव और जितनी भी मतलब मॉक टेस्ट हैं, मॉडल पेपर्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, वो सब जब आपके लग जाए, ख़त्म हो जाए इतना, देन गो फॉर जेई मेन्स क्वेश्चंस। ओके, जब आपका मतलब
आरडी शर्मा के जितने क्वेश्चंस होते हैं, और बेसिक जो आपका है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, सब आपके बहुत स्ट्रांग हैं, तो आप जेई मेंस की बुक्स से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पर शुरुआत से आपको जेई मेंस की बुक लेके नहीं बैठ जाना है, इट्स नॉट गुड वे फॉर स्टार्टिंग प्रिपरेशन। कंप्यूटर का क्वेश्चन कैसे आते हैं निमसेट में? कंप्यूटर के क्वेश्चन निमसेट में आपको पता होगा 10 क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? कंप्यूटर फंडामेंटल से आते हैं, बाय एडिशन पे आते हैं, मीन्स बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, लॉजिक गेट्स, के मैप, और आपके क्वेश्चंस किससे आते हैं, लाइक ग्रे कोड, एक्सेसरी कोड्स, कोड्स भी आते हैं, कॉम्प्लीमेंट पे क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप 5 से 6 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और दैट्स मोर देन सफिशियंट। अगर आप कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप 6 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मतलब इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे? अगर आप मतलब कंप्यूटर में अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो आप और पढ़िए। होता क्या है, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं वो तो सबको, अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे, 5 6 टॉपिक है उन्हीं से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, उतना आप कर लेंगे तो आप वैसे जो क्वेश्चंस आएंगे कर लेंगे। बट जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो मीन्स हम कह नहीं सकते, हो सकता है आपको आ जाए, और हो सकता है आपने बहुत पढ़ा हो तब भी आपको ना उस समय समझ में आए, आपने जो कुछ चीज़ें रह गई उन्हीं में से क्वेश्चन आ सके। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में नहीं कह सकते। हाँ, जितने मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, वो अगर आप कंप्यूटर की कर ले जा रहे हैं तो दे आर मोर देन सफिशियंट। इज अमित अग्रवाल इज गुड फॉर, यस इट्स गुड फॉर एम सी एंड प्रिपरेशन, बट आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव इज बेस्ट। जे एम आई एंड ए एम यू, जे एम आई इज़ बेटर देन ए एम यू फॉर मी। ओके, सी बी एस ई 11th एंड 12th की मैथ इज इनफ फॉर बी एच यू, जे एम आई, ए एम यू। यस, बी एच यू और जामिया में 11th 12th की मैथमेटिक्स सफिशियंट होती है, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते। तो यस, अगर आप उतना कर ले रहे हैं तो इट्स ओके। बट अगर जामिया का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको कंप्यूटर और इंग्लिश बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके क्वेश्चंस टफ आते हैं। निमसेट 2020 पोस्टपोन होगा। खुशबू, वी आर ऑल्सो इन डाउट, वी हैव नो क्लू अबाउट दिस राइट नाउ। ओके मैम, निमसेट, ओके, अगेन निमसेट पोस्टपोन होगा। पुणे यूनिवर्सिटी का एवरेज प्लेसमेंट कितना होगा? प्लेसमेंट्स और पैकेजेस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपने एक वीडियो में, सो प्लीज़ वॉच दैट। मतलब मुझे बहुत इरीटेट, जैसे आप लोग को फ्रस्ट्रेशन होता है ना कि निमसेट एग्जाम एक्सटेंड होता जा रहा है, वैसे मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है जब जो मैं सेशंस ऑलरेडी 2 2 घंटे के ले चुकी हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके बट अभिषेक, पुणे यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज जो है वो 12th के अराउंड होता है। ओके मैम, बीसी के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं? प्रदीप, आप कहाँ से हैं, मींस कौन से स्टेट से हैं या कौन सी सिटी से हैं, कुछ आप मेंशन कीजिए तब आप बता सकते हैं, क्योंकि बीसीए के लिए कहाँ से, मतलब कॉलेजेस बहुत सारे हैं। ओके, तो आपको कौन से एरिया में एडमिशन लेना डिपेंड्स ऑन दैट। मैम, ऐप में पेमेंट कैसे करें? शशि मैम, ऐप में पेमेंट वहाँ पे यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट होगा बेटा आपका, गूगल पे, फ़ोन पे, कुछ भी आप यूज़ करते हैं, तो जैसे आप पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको खुद ही रिडायरेक्ट करेगा वो, जो भी ऐप होगा उस पे। मैम, आई वांट टू ज्वाइन यू लाइव क्लास बैच फॉर निमसे 2021, सो गाइड मी। अब अखिलेश, यू कैन डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, विच इज़ मारूला क्लासेस ऐप, सो आप उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे सब्सक्रिप्शन होंगे फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन, लाइक फॉर 1 month, फॉर 3 months, फॉर 6 months, फॉर 12 months, जो आपको सही लगे, एक्यूरेट लगे, वो आप परचेज़ कर लीजिए सब्सक्रिप्शन। यू कैन ज्वाइन अवर लाइव क्लासेस। ओके, आई एम बी एस सी सेकेंड ईयर विथ पी सी एम, इज इन थर्ड ईयर मैथ्स, इज कंपल्सरी फॉर निम सेट? नो, अगर आपका मैथ्स ग्रेजुएशन में एक भी ईयर में है दैट्स सफिशियंट। ओके, ऐसा कुछ नहीं मेंशन रहता कि थर्ड ईयर में मैथ्स रहनी चाहिए, दे मेंशन कि ग्रेजुएशन में आपको मैथमेटिक्स रहना चाहिए। ओके, विल निमसेट बी पोस्टपोन? वी आर लाइक आई ऑलरेडी मेंशन कि जैसे आपको कोई आइडिया नहीं, हमको भी आइडिया नहीं है, क्योंकि निमसेट वाले आर नॉट अवर रिलेटिव्स, सो वी आर ऑफकोर्स हम उनको ईमेल कर रहे हैं, जितने सोर्सेज जिस तरह से हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी आर ट्राइंग टू यू नो रिट्रेस द इंफॉर्मेशन फॉर देम। अगर हमें कोई क्लू मिलता है तो ओके, वी विल अपडेट दैट ऑन आर यूट्यूब चैनल थ्रू आर यूट्यूब स्टोरी और थ्रू आर वीडियो। ओके वेल, तो इतना आपको ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई, लैंग्वेज फंडामेंटल और कोडिंग, ये करना शुरू कर देना है। ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स को नाउ, अच्छा ये करना तो शुरू कर देना मैंने बता दिया। अब
जो जैसे हम बता देते हैं कि तुमको कैलकुलस पढ़नी है, फिर स्टूडेंट के माइंड में क्या डाउट होता है, मैम कौन सी बुक से पढ़ना है, आर डी शर्मा से पढ़ना है, लाइक अभी भी पूछा जा रहा है आर डी शर्मा से पढ़ें कि अमित अग्रवाल से पढ़ें कि सेल्फ स्कोटर से पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें। तो वैसे ही कंप्यूटर साइंस में भी होता है, जब हम एमसीए प्रोग्राम करने जाते हैं ना, जब हमारा वहाँ सेमेस्टर शुरू हो जाता है, तब भी मन में डाउट रहता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करें। तो हमारे सीनियर्स बताते हैं कि ये चीज़ें, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से ये पढ़ो, वहाँ से ये पढ़ो, ये पेपर यहाँ से आता है, ये सही रहेगा तुम्हारे लिए। तो वहाँ से मुझे जितना एक्सपीरियंस मिला अपने सेमेस्टर में, अपने कॉलेज में, तो आई एम शेयरिंग दैट विद यू कि जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं पढ़ने के लिए अच्छे, ओके अकॉर्डिंग टू मी गीक्स फॉर गीक्स तो मतलब बेस्ट हैं। आप मुझसे ही नहीं, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे जो एमसीए कर रहा होगा या कर चुका होगा, ही और शी विल ऑल्सो सजेस्ट जीएफजी एज एन ऑप्शन, बिकॉज जीएफजी में कंप्यूटर साइंस के लिए बेस्ट कंटेंट है और वास्ट कंटेंट है। आपको सी पढ़नी हो, सी प्लस प्लस पढ़नी हो, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हो, कोई भी मीन्स आपको लैंग्वेज फंडामेंटल पढ़ने हैं, कोडिंग भी करनी है, तो भी जीएफजी पे आप अकाउंट बना सकते हैं। ओके तो जीएफजी में बहुत सारा मतलब सफिशियंट मटेरियल है कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आप जीएफजी ऑप्ट कर सकते हैं अपना थियोरेटिकल पोर्शन क्लियर करने के लिए। W3 स्कूल इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू नो वेब डेवलपमेंट के लिए, लाइक HTML CSS, इसके लिए W3 स्कूल बढ़िया है। जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी सी प्लस प्लस लैंग्वेज और यू नो ये सब चीज़ें सी लैंग्वेज आता है, सी प्लस प्लस आता है, कोडिंग में भी ठीक है, वो जाएँ W3 स्कूल पे। ओके उनको जो लैंग्वेज लाइक उन्हें W3 स्कूल में वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे मतलब कंटेंट है, HTML CSS बहुत अच्छा कंटेंट है, जावा स्क्रिप्ट JS क्वेरी, जिनको ये सब भी आता है वो रिएक्ट सीखें। ओके जो उन्हें इंटरेस्ट हो, लाइक उनको इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट में, और आप ऑलरेडी HTML ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है CSS ख़त्म कर चुके हैं, तो आप रिएक्ट सीखिए। ओके अगर आपको वेब डेवलपमेंट इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट है एंड्रॉयड में, देन गो वॉच आउट एंड्रॉयड ट्यूटोरियल्स। ओके एंड्रॉयड ट्यूटोरियल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको यूट्यूब पे। यूट्यूब पे एंड्रॉयड के मतलब बेसिक के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं और अच्छे भी हैं, आप अगर सीखना चाहेंगे तो बेसिक्स आप एक सिंपल सा ऐप आराम से बनाना सीख सकते हैं यूट्यूब ट्यूटोरियल को फॉलो करके। ओके यूडमी और कोर्सेरा दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अगर कुछ सीखेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं, इट विल मेक योर रेज्यूमे लुक बेटर। ओके वैल्यू होती है इनके सर्टिफिकेट्स की। तो कोर्सेरा पे या यूडमी पे आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको सही लगे। कोर्सेरा पे इन प्लेटफॉर्म पे जो कोर्सेज होते हैं मोस्टली आपको परचेज करने पड़ेंगे, दे आर पेड। कोर्सेरा आपको ऑप्शन देता है फाइनेंशियल एड का भी। ओके वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन टाइप का भरना पड़ता है, वो अगर आपका सही है तो आपको अराउंड 15 डेज बाद आपका अप्रूव हो जाता है, अगर आपने ठीक ठाक लिख दिया है तो आप उसकी मदद से फ्री में कोर्स कर सकते हैं। ओके सो ये सब आपके रिसोर्सेज हैं पढ़ने के लिए। अगर आप अभी नहीं पढ़ पा रहे, अभी आपने प्रिपरेशन शुरू किया, आप प्रिपरेशन नहीं है, आप सही है, आप उस पर ही अभी टाइम देना चाहते हैं, देन इट्स ऑल गुड। पहले ज़रूरी है कि हमारा NIMCET क्लियर हो जाए, वही नहीं क्लियर होगा तो हम कैसे पहुँचेंगे आगे कॉलेज में। NIMCET या जो भी आपका टारगेट एग्जाम है तो आप उसको टाइम दीजिए। ओके अगर आप अभी नहीं कर पाए इन पे, ठीक है, आप जब कॉलेज भी जाएंगे, आपका सेमेस्टर शुरू हो जाएगा तब भी, ये आपके पूरे MCA ख़त्म होने तक ये जो वेबसाइट्स हैं, जो पोर्टल्स हैं, आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप लास्ट तक इनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, इन पर अकाउंट्स बनाएंगे। ओके सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ नेवर गोइंग टू बी गेट वेस्ट फॉर एनी कैंडिडेट। ओके नाउ कोडिंग प्लेटफॉर्म्स, लाइक हम हमेशा बात करते हैं कोडिंग करो अगर तुम्हारा मतलब सब हो चुका है तो कोडिंग पे ध्यान दो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कहाँ पे करें कोडिंग, मीन्स अपने सिस्टम पे करें कोडिंग, क्वेश्चन देखें और अपने सिस्टम पे करें। बहुत बच्चे जो शुरुआत कर रहे होते हैं वो ये भी करते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं वेबसाइट से निकालते हैं और अपने सिस्टम में प्रैक्टिस करते हैं, देव सी प्लस प्लस या किसी भी यू नो ऑफलाइन जो भी ऑप्शन है उनके पास। बट वॉट इज़ बेटर नाउ, अभी ट्रेंड में क्या है कि आप कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, उन पे उनका यू नो एनवायरमेंट होता है जहाँ पे आपको कोड करना होता है। आप जब कोड अपना कुछ वो आंसर देते हैं वो आपको लाना है, अगर आपका आंसर सही होगा आप सबमिट करने के बाद आपको कुछ स्कोर मिलता है या कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, गलत होगा तो आपका कोड सबमिट नहीं होगा, एरर होगा, आपको
आइडिया भी, क्लू भी दिया जाता है कि आपका क्यों गलत है ना, डिस्कशंस होते हैं, पहले के कोड्स पोस्ट होते हैं, आप उनसे आइडिया ले सकते हैं कि आपका कोड क्यों गलत हो रहा है। ओके तो इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म्स है, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स आर फार बेटर देन ऑफलाइन कोडिंग करने से, कि ऑफलाइन कोडिंग करने से आपको मतलब आपको उतना ही पता होता है जितना आप रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कोड, आपने सोचा था कि ये प्रॉब्लम है, इतना आउटपुट आना चाहिए, एक दो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ इतना आउटपुट आना चाहिए, आपने एक दो टेस्ट केसेस पे चेक कर लिया आपका कोड सही कर रहा है, चल रहा है, पर हर क्वेश्चन के लिए बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं। ओके मीन्स अच्छे क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमें आइडिया भी नहीं होता कि यहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे तो हमारा कोड फेल हो जाएगा। तो इन प्लेटफॉर्म पे करने से क्या होता है, आपका कोड सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए वो चेक करता है, इस कोड कोडिंग प्लेटफॉर्म इन सब में ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है। तो आपका कोड इन पे अगर सही है तो 100% सही है, फिर आपको अपने एग्ज़ाम में या आगे इंटरव्यू में कहीं भी आप वो कोड रन कराएंगे, आपका कोड एग्जैक्टली वैसा रन करेगा, आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। ओके तो इसलिए इन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे कोडिंग करना बेटर है ऑफलाइन कोडिंग करने से, तो आप यहीं पे कोडिंग करिए। कौन कौन से कोडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, GFG पे आप अकाउंट बना सकते हैं, हैकर रैंक पे बना सकते हैं, हैकर एस पे बना सकते हैं, कोड शेफ बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये कुछ मतलब मोस्ट डिमांडिंग है, और स्टूडेंट्स इन्हीं पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स के अकाउंट्स होते हैं। तो आप इनमें से किसी में भी अपना एक अकाउंट बनाइए और कोडिंग शुरू कीजिए बेसिक से। ओके नाउ वी शुड मूव टू 2021 एस्पिरेंट्स, जिन्हें 2021 में अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए अब हम बात करेंगे। सो वन क्वेश्चन, कैन यू टेल सीक्वेंस टू स्टडी फॉर NIMCET फ्रॉम दिस चैनल एंड ऐप। ओके पुष्पक, अगर आप ऐप में सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप, तो आपको मुझे भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो सर हैं वो पूरा वो डिसाइड करते हैं क्या पढ़ाया जाएगा, क्या असाइनमेंट दिया जाएगा, क्या टेस्ट पेपर होगा, टेस्ट पेपर भी वो ही डिज़ाइन करते हैं। तो सीक्वेंस क्या रहता है, आपको टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हमारा ऐप शुरू है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो दो तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जो ख़त्म हो चुके हैं। तो क्या होता है, आपका एक क्लास होती है पर डे आपकी, नो एक असाइनमेंट आपको दिया जाता है, असाइनमेंट में जो डाउट्स होते हैं क्लास में वो डाउट्स डिस्कस किए जाते हैं, जो नया पढ़ाना होता है आपको वो भी पढ़ाया जाता है, कुछ नए टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। ओके बीच बीच में मतलब एक वीक में एटलीस्ट दो टेस्ट तो अभी हम कंडक्ट करा ही रहे हैं, दो टेस्ट कम से कम कंडक्ट कराए जाते हैं। वो जो टेस्ट होते हैं, जो आपके टॉपिक्स कवर होते जाते हैं उन पे वो टेस्ट होते हैं, हम टेस्ट की आंसर कीज पोस्ट करते हैं ताकि आप चेक कर सकें कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ, कौन सा गलत हुआ। ओके हम रिजल्ट्स पोस्ट करते हैं ऐप में कि आपकी क्या पोजीशन आई टेस्ट में, जितने बच्चों ने दिया था टेस्ट उनमें, कुछ इस तरह से हम ऐप में कंडक्ट कराते हैं अपने सेशंस। ओके सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, इतना मतलब सीक्वेंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ज़्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूँगी। ओके क्या 2 ईयर MCA होने पे BSc वाले अच्छा कर पाएंगे। सी पहली बात, 2 ईयर MCA AICTC अप्रूव्ड कॉलेजेस में हुआ है। ओके NIMCET इज़ नॉट AICTC अप्रूव्ड, इट इज़ ऑटोनोमस, वो डिसीजन खुद लेगा जब 2 ईयर का, तभी वहाँ पे 2 ईयर होगा। DU इज़ UGC अप्रूव्ड, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं दे फॉलो UGC। ओके तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को भी लेके अभी आप नहीं कह सकते कि 2 ईयर MCA हो गया है, जब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या NIMCET खुद डिक्लेयर करेगा तभी मानिएगा कि 2 ईयर MCA हुआ है वहाँ पे। अगर वहाँ पे 2 ईयर MCA हो जाता है देन डोंट नीड टू वरी, कॉलेजेस कोर्स अपना मॉडिफाई करेंगे, चेंजेस करेंगे। हाँ इतना आपको करके जाना है कि आपको अपने बेसिक्स जो मैंने बताया कोडिंग और लैंग्वेज फंडामेंटल, इतना आपको सीख के जाना है कॉलेज, अगर 2 ईयर MCA हो जाता है। तो अगर आप इतना सीख के नहीं गए तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। 3 साल का MCA होता था तो आप ठीक है, आप नहीं कुछ सीख के गए, आप कवर कर लोगे फिर भी, लेकिन अब अगर 2 साल के MCA हो जाता है तो अगर आप बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ जाओगे, बिल्कुल कंप्यूटर साइंस की आपको नॉलेज नहीं रहेगी तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको इतना टाइम मिल गया है, आप ये सब चीज़ें करना शुरू कर दीजिए, डोंट वेट कि एग्ज़ाम हो जाए फिर मैं कुछ पढ़ूंगा। ओके मैं 2021 में NIMCET दूँगी, कितने टाइम NIMCET प्रिपरेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा अर्जुन, 1 ईयर इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर NIMCET प्रिपरेशन। सब्सक्रिप्शन लूँ तो क्या उसमें कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस डाउनलोडेड मिल जाएंगी? यस मिल जाएंगी आपको, आप सेव कर सकते हो जो वीडियोस आपको मीन्स कंप्लीट सिलेबस की मिलेंगी, बट द थिंग इज़
कि वी फोकस मोर ऑन लाइव क्लासेस, लाइव क्योंकि लाइव क्लासेस में आपने डाउट्स पूछ सकते हो, इंटरेक्शन बेटर होता है इन कंपैरिजन टू रिकॉर्डेड वीडियोस. ओके, तो वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे आपके, बट जो लाइव क्लास है पर डे वो आप जब रेगुलर आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा तभी आपको मिलेंगी, क्योंकि लाइव क्लास का लिंक तो जब डेली नया लिंक जनरेट होता है आपको डेली नया लिंक मिलता है. ओके, डिमसेट एग्ज़ाम डेट कब तक क्लियर हो जाएगा? नो आइडिया खुशबू. कंप्यूटर साइंस का सिलेबस इंक्रीज हो सकता है एम सी ए एंट्रेंस में इन 2021 बिकॉज ऑफ 2 ईयर एम सी ए. सी इंक्रीज पुष्पक, इंक्रीज़ क्यों होगा भाई, जब ड्यूरेशन कम हो रही है तो इंक्रीज़ होने अभी ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है. ओके, कि इसलिए कंप्यूटर साइंस का सिलेबस इंक्रीज़ हो जाएगा एम सी ए एंट्रेंस में. जब आएगा तब उसका वेट कर सकते हैं, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा देन वी विल सी. क्योंकि लाइक बिट्स ने भी 2 ईयर एमसी कर दिया था, पर उसका पैंडमिक की वजह से उसने लिया ऑनलाइन इंटरव्यूज की थ्रू अपना जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो रखा, बट उनका 2 ईयर एमसी उन्होंने कर दिया था उसके पहले. और जो उनका सिलेबस था उसमें मैथमेटिक्स ही मेजर पोर्शन था तब भी. सो ऐसा मत सोचिए कि 2 ईयर का एमसी हो जाएगा तो कंप्यूटर साइंस का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स कम हो जाएगा. ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं. लेट्स वेट फॉर दी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस एंड ऑल. अभी से कुछ भी परसेप्शन बना के मत चलिए. ओके, बीएससी वाले क्या स्टडी करके जाएं? आज मैंने पहले ही बोला था कि जो बीएससी वाले हैं वो लैंग्वेज फंडामेंटल सीखना शुरू कर दें, सी प्लस प्लस आप सीखना शुरू कर दें, टेक हेल्प फ्रॉम द यूट्यूब ट्यूटोरियल्स. ओके, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखिए, उसके बाद जेएफजी पे पढ़िए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल रीडिंग करिए. ओके, देन आप कोडिंग प्लेटफॉर्म पे आप एक अकाउंट बना लीजिए. पैरेलली आप कोडिंग भी करते चाहिए, जैसे आपने आज सीखा सिंपल बस हेलो वर्ड प्रिंट करना किसी प्रोग्राम में, स्टार्टिंग वहीं से होगी, आप हेलो वर्ड प्रिंट करना सीखोगे तो वो हेलो वर्ड प्रिंट करना आप जेएफजी या हैकर रैंक, हैकर जहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाया वहाँ पे प्रिंट करके देखना. ओके, सो इतना आपको बस इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं. आपको लैंग्वेज फंडामेंटल सीखने हैं और आपको कोडिंग अपनी थोड़ी सी अच्छी कर लेनी है, मीन्स आपको बेसिक लेवल, बिगिनर लेवल कंप्लीट कर लेना है इस गैप में. इतना बीएससी वालों को करके जाना है कॉलेज में. हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टूडेंट ऑफ बीसीए लास्ट सेमेस्टर एंड निमसेट एग्जाम भी दूंगा, प्लीज़ टेल मी. सी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल कुमार, आप पहले क्या कर लीजिए एम सी एंट्रेंस, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो, बी एच जे एन यू, बी एच यू और निमसेट, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो आप वहाँ पहुँचिए. आपका एक एक टारगेट सेट कर लीजिए, लाइक डिसाइड कर लीजिए. आप पहले से बीएससी के हैं तो आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं आगे. ओके, आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है. वो इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉयड और किस भी किस उसमें आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग इंटरेस्ट है, जो भी आपका इंटरेस्ट हो ना उस पर काम करना शुरू कर दीजिए अभी से. उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करिए, जो आपके कांटेक्ट में जो भी सीनियर्स हों जो उस फील्ड में, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या पढ़ना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज बेटर हैं. ओके, प्रोजेक्ट कैसे करना है. ओके राहुल, तो जो भी आपके सीनियर्स हों जो आपके इंटरेक्शन में, उनसे हेल्प लीजिए. आप जब कॉलेज जाएंगे तो आपको इजीली बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, लाइक जो आपकी फील्ड इंटरेस्ट है, जो आपकी जिस फील्ड में है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आपकी, उसी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के बहुत सारे सीनियर्स आपको मिलेंगे अपने कॉलेज में. उनसे इंटरेक्शन करके आप पूछिए कि उन क्या पढ़ना चाहिए मुझे, सी उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए. और मतलब फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही एक पर्टिकुलर फील्ड पे आप काम करना शुरू कर दीजिए. आप ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, वो डिसाइड नहीं कर पाते, सेकेंड ईयर एंड हो जाता है कि उन्हें जाना किस फील्ड में है. फिर जब वो डिसाइड कर पाते हैं तो इतना प्रेशर होता है लास्ट ईयर कि आपको निकालना है अपना प्लेसमेंट भी, तो आप कोडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगते हो. फिर आपकी जो फील्ड होती है ना जिसमें आपको जाना, आप उस पर इतना किसी पर्टिकुलर फील्ड में, सेक्टर में आप इतना काम नहीं कर पाते हो, इतना सीख नहीं पाते हो कि आप बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दे पाओ. तो आप एक बस कोडिंग नॉट क्लियर कर लेते हो, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेते हो, आपका किसी तरह आप प्लेसमेंट निकाल लेते हो, बट आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में मास्टरी नहीं गेन कर पाते, जिससे आगे जाके आपकी जॉब में आपको अच्छी आप और इम्प्रूव कर सको, आपका अपग्रेडेशन बहुत जल्दी जल्दी हो. मैम, एम सी लैटरल एंट्री के बारे में बताइए. एम सी लैटरल एंट्री अभी एन आई टीज तो नहीं ऑफर करती हैं. ओके,
जो कॉलेज लाइक बहुत कम कॉलेजेस ऑफर करते हैं कि आईटी ऑफर करता है एंड यूपीएससी में भी मिलती है लेटरल एंट्री. सो इट्स गुड ऑप्शन, बट अभी बहुत सारे कॉलेजेस नहीं ऑफर कर रहे हैं लेटरल एंट्री. तो आई थिंक अभी आप उसको टारगेट मत रखिए, बिकॉज़ जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं एनआईटीज़ हैं ये लेटरल एंट्री का ऑप्शन नहीं देती हैं. सो आई थिंक डोंट थिंक मच अबाउट दैट. पहले टारगेट करिए एनआईटीज़ को, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, में एडमिशन लीजिए. ऐसा लेटरल एंट्री की वजह से किसी कम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको. आईपी यूनिवर्सिटी के लिए, आईपी यूनिवर्सिटी के लिए क्या मैं लेटरल एंट्री के लिए बता दीजिए मैम. ओके, सचिन अभी मुझे इसके बारे में बहुत डीप नॉलेज या बहुत एक्यूरेट नॉलेज नहीं है कि एमसीए में लेटरल एंट्री के लिए वहाँ पे क्या आता है. मैंने इसका एनालिसिस नहीं किया है, सो आई विल नॉट आंसर यू, क्योंकि गलत आंसर देने से अच्छा है मैं उसे छोड़ दूँ. आप खुद रिसर्च कीजिए, आप कहीं और से पता कर लीजिए. ओके, इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू यू नो विल कॉपरेट विद मी, तो मैं सर्च करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आज मेंशन करूँगी. ओके, कि जी एस आई पी एम सी लेटरल एंट्री के लिए क्या करना है. आई विल आंसर यू क्वेश्चन आफ्टर सम टाइम. ओके, मीन्स कल तक मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी, बट राइट नाउ मैं आपको नहीं आंसर दूँगी क्योंकि मुझे एक्यूरेट नॉलेज नहीं है. सो मैं गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दूँगी आपको. मैथ पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है मदन कुमार. सी मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन, आ जाएगा कॉन्फिडेंस, डोंट वरी. कॉन्फिडेंस मुझे भी ऐसा कोई बहुत नहीं था लास्ट टाइम तक, बट प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी. ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गिव निमसेट एग्जाम, बहुत सारे देते हैं. लाइक मीन्स ये किस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं. ओके, डोंट डिपेंड ऑन दी नंबर्स. 2021 की एग्जाम में भी मैम नेक्स्ट ईयर में ही 2000, अभी तो 2020 का एग्जाम के बारे में यू नो वी आर वेरी इन ग्रेट डाउट कि कब होगी. अब 2021 के लिए वी होप कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए. अगर नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो मई में 2021 में ये सब नहीं होगा. एग्ज़ाम जो टाइम था उसका डिसाइडेड मई, उसी में होना चाहिए. बट देखिए क्या सिचुएशन रहता है. इन फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करना तो अभी बहुत मुश्किल है. वेन विल न्यू बैच स्टार्ट, कार्तिक न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है. यू कैन डाउनलोड अवर ऐप मार्गला क्लासेस फ्रॉम दी प्ले स्टोर एंड कनेक्ट विद अस. हाउ टू सॉल्व अबव 100 क्वेश्चन इन अ डे, हाउ शुड आई वर्क ऑन माई टाइम मैनेजमेंट. कोमल, एज आई सेड बिफोर, मॉडल पेपर एक टारगेट बना लीजिए कि आपको रोज़ एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है. कहीं किसी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए. एक मॉडल पेपर में आपको 120 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, मोस्टली पेपर्स में 100 तो मिल ही जाएंगे, जेएनयू में 100 होते हैं. ओके, आप एग्ज़ाम देते टाइम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे. आप उस एग्ज़ाम प्रेशर में आपको जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें 50 क्वेश्चंस तो लगा ही लेंगे. बचे हुए जो 50 क्वेश्चंस हैं आप पेपर देने के बाद उनके आंसर कलेक्ट कीजिए, सर्च कीजिए उनको. ये ऐसा कुछ टारगेट बना के चलेंगे ना तो आपके 100 क्वेश्चन पर डे हो जाएंगे बहुत आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बोर भी नहीं होंगे. सनी, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन तो मुश्किल ही है. अभी आपके पेरेंट्स भी नहीं भेजेंगे, किसी के पेरेंट्स नहीं भेजेंगे और भेजना भी नहीं चाहिए. इट्स नॉट सेफ टू स्टार्ट ऑफलाइन क्लासेस राइट नाउ. ऑनलाइन मोड ही अभी फ़िलहाल तो 2-3 महीने तो ऑनलाइन मोड में ही पढ़ाई होनी है जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो जाती. सो प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द ऑनलाइन मोड, डोंट वेट फॉर ऑफलाइन क्लासेस टू गेट स्टार्टेड. मेरी मैथ्स बहुत एक्सलेंट है बट टाइम बहुत कम होता है मैम, प्लीज़ गाइड मी. सी मैथ्स आपकी बहुत अच्छी है बट तो टाइम आपके लिए कम नहीं होना चाहिए. टाइम कम नहीं होता, 2 घंटे बहुत होते हैं. मीन्स अगर आपको जितना आता है ना वो 2 घंटे में हो जाता है. ओके, अगर आपकी बहुत मतलब सब आपको बहुत अच्छे से आता है तो आराम से 2 घंटे आपके लिए बहुत हैं, आप कर लोगे. कहीं पे कुछ एरर है ना, कुछ कन्फ्यूजन है तभी आपको टाइम कम लगता है, तो वर्क ऑन दैट. ओके, अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर करिए, रिवाइज करिए अपनी स्पीड. जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे आपकी स्पीड उतनी इंप्रूव होगी, क्योंकि मॉक टेस्ट में टाइम लिमिट होती है, लाइक इतने घंटे में आपको पेपर ख़त्म करना है. जब आप एक बाउंड्री में बैठ के मतलब 1 घंटे में आपको पेपर ख़त्म करना है, ये टाइम लिमिट लेके इस बाउंडेशन में टेस्ट पेपर देते हो ना, आपकी स्पीड अपने आप इंप्रूव होती है और फिर जो टाइम वाली दिक्कत आती है ना आपका कम सॉल्व हो जाएगी टाइम मैनेजमेंट. ओके, हमेशा कॉम्पिटिशन में रहिए. लाइक इसलिए मैं कह रही हूँ कि घर खुद से पेपर सॉल्व करने से बेटर है कोई भी सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए. जैसे सीरीज़ जब आप लोगों बहुत सारे लोग हैं एक प्लेटफॉर्म में, सब टेस्ट दे रहे हैं, आप कंपीट करेंगे, रिजल्ट आएगा, आप अपना नाम देखोगे,
आपका नाम ऊपर होगा एक टेस्ट में, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टेस्ट में अगर आपका नाम नीचे आ जाएगा तो आपको खुद बहुत डीमोटिवेशन फील होगा, आप और मेहनत करोगे। फेलियर पुशेस यू टुवर्ड्स यू नो वर्किंग हार्ड एंड गुड शेड्यूल। अगर आप फेल हो गए ना, अगर आपकी रैंक कम अच्छी आएगी, मार्क्स कम अच्छे आएंगे, आप ज़्यादा मेहनत करोगे। अगर आपकी रैंक हमेशा अच्छी रहती रहेगी, आप थोड़े से लेजी हो जाओगे, आप ढील दे दोगे अपनी प्रिपरेशन को। ओके, इसलिए हमेशा एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहो, किसी ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही हो रेगुलर, उसको ज्वाइन करो और टेस्ट सीरीज़ रेगुलर वहाँ पे दो, तब आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है सॉल्व हो जाएगी। आरटी शर्मा ऑब्जेक्टिव की एग्जाम्पल, सिलेबस और चैप्टर टेस्ट ऑल वी हैव टू डू। सी आरटी शर्मा के ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम्पल अब पहले मत किया करिए, पहले आपको जो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ओके, जो अनसॉल्व होते हैं उनको करिए, चैप्टर टेस्ट करिए, इतना हर चैप्टर का हो जाना चाहिए। इतना होने के बाद जब आप इनमें कॉन्फिडेंट हो जाएं अच्छे से, 2-3 बार आपको ये लगाना है, इतना हो जाए तब आप एग्जाम्पल में मूव ऑन करिए। वॉट इज़ द फ्यू ऑफ मॉडल क्लास फॉर एमसीक्यू प्रिपरेशन? सिद्धार्थ, अभी तो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। ऑनलाइन क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है, देन गो ऑन दी ऐप, आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको वहाँ पर सारे पैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो आपको सूटेबल लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मैथ्स आपको बहुत कमज़ोर आसानी है, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ओके, वी डोंट हैव मच टाइम फॉर निम सेट। अगर आपको अगले साल पेपर देना है तो अब काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है किसी के पास, मतलब जो 2021 एस्पिरेंट्स हैं उनके पास अब 1 month का ही टाइम बचा है अराउंड, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। सी सनी, ऑफलाइन अब पॉसिबल नहीं है बेटा इस करंट सिनारियो में, आपको भी पता है। तो ऑफ कोर्स ऑफलाइन मोड इज़ बेटर देन ऑनलाइन मोड, मुझे भी ऑफलाइन ही पसंद है, बट अब सिचुएशन ऐसी है कि ऑफलाइन ऑर्गेनाइज कराना पॉसिबल नहीं है, सो व्हाट कैन वी डू, लेट्स फेस दिस सिचुएशन एंड लर्न, डेवलप आवर सेल्फ, प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर स्टार्टिंग इन ऑनलाइन मोड। ओके, सो प्रिपरेशन प्लान फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बैच 2021। तो जो स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स बहुत वीक है, या जो मतलब इनिशियल लेवल से शुरू कर रहे हैं, उनको कोई मतलब आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव या फिर अरिहंत या सेल्फ स्कोरर नहीं उठा लेनी है शुरुआत में, उनको क्या करना है, 11th 12th लेवल की जो मैथमेटिक्स बुक होती हैं आपकी स्कूल लेवल पे, जो आपने मैथमेटिक्स की बुक सॉल्व की थी, ओके, एचएम पब्लिकेशन कुछ स्कूलों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने की होगी जो स्टेट बोर्ड से होंगे, एनसीईआरटी कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व की होगी, तो जो भी आपने 11th 12th में पढ़ी थी मैथमेटिक्स उसको रिवाइज करिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। फिर आपने जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया प्रिपरेशन के लिए, वहाँ पे जो असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए, वो अच्छे से सिंसियरली सॉल्व कीजिए। आर डी शर्मा या कोई बुक पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है शुरुआत में, पहले इतना काम आपको ख़त्म करना है। लाइक आई डोंट नो अबाउट अदर इंस्टीट्यूट्स, बट हमारे इंस्टीट्यूट में असाइनमेंट और टेस्ट पेपर जो बनाए जाते हैं, अगर उतना आप सिंसियरली कर लेंगे ना, आप आराम से निमसेट निकाल लेंगे, जो भी एंट्रेंस एग्जाम BHU JNU आपका आराम से निकल जाएगा, आपको कोई बुक पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितने भी असाइनमेंट्स और टेस्ट पेपर बनाए जाते हैं, वो जितनी बेस्ट बुक्स हैं ना आपकी प्रिपरेशन के लिए, उनसे सेलेक्टिव क्वेश्चंस उठाए जाते हैं जो आपके मतलब के हैं, ओके, तो वो सफिशिएंट होते हैं। हम इतने असाइनमेंट आपको हर टॉपिक के, आपको मिनिमम आपको 1 और मैक्सिमम आपको 4 असाइनमेंट हर टॉपिक के मिलते हैं, और टेस्ट पेपर तो आपको 11 to 12 मिल जाएंगे साल भर में अगर आप प्रिपरेशन करते हैं हमारे यहाँ। और उन टेस्ट पेपर्स में आपको हमेशा सर सेलेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग एग्जामिनेशन से क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर योर प्रिपरेशन, बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप हमारे यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं। बाकी अगर आपके जो भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन किए, अगर आपको वहाँ पे उतने अच्छे लेवल के असाइनमेंट टेस्ट पेपर नहीं मिल रहे, देन आप 2-3 महीने बाद आप आर डी शर्मा या कोई बुक अच्छी ले लीजिए, ओके। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहे वहाँ के असाइनमेंट और टेस्ट पेपर, देन डू गो फॉर दीज थिंग्स। बट जो यहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो मॉडल क्लासेस ऐप से कनेक्टेड है, उनको इतना करना है, उनको अभी कोई बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना, उनको असाइनमेंट और टेस्ट पेपर्स पे अभी ध्यान देना है, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट फॉर देम। वॉट द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू, प्रिपेयर अ टाइम टेबल। ओके, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको क्या क्या करना है, कितना कितना पढ़ना है।
अपने टाइम टेबल में प्रायोरिटी दीजिए मैथमेटिक्स को, कि मैथमेटिक्स आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना उस पर, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है, वो ज़्यादा पूछा जा रहा है हर एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपको टाइम अलॉट करना है रीजनिंग को, देन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कंप्यूटर, उसके बाद इंग्लिश। ओके, इस तरीके से आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। कीप अ ट्रैक ऑफ योर डेली प्रोग्रेस, मीन्स आप टेस्ट दे रहे हैं, अगर डेली आप टेस्ट देते हो तो मीन्स डेली नहीं, जितने भी आपके वीक में कंडक्ट हो रहा है आप टेस्ट देते हो, तो उसका एनालिसिस भी करो कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, आपका अटेम्प्ट रेशियो बढ़ रहा है कि नहीं, आपके इनकरेक्ट कम हो रहे हैं कि नहीं, और यू नो आंसर्स कलेक्ट कीजिए जो क्वेश्चंस आपको आप नहीं कर पाए टेस्ट पेपर में, ये सब चीज़ें करिए। ओके, पेपर देने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम पेपर दे के बैठ गए अब काम खत्म, अब हमें नहीं करना है कुछ, पेपर का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ओके, लाइक आई मेंशन बिफोर कि क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व मत छोड़ो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर मीन टेस्ट देते टाइम अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो ये नहीं कि उसको छोड़ के बैठ जाना, सॉल्व करो उसको। पेपर देने के बाद उसके आंसर कलेक्ट करो, जो क्वेश्चंस तुम्हें टफ लगे उनको हाईलाइट कर लो, उनको बार बार रिवाइज करते रहो, ताकि आगे कभी वो तुम्हारे सामने आए तो तुम उनको भी सॉल्व कर पाओ। ओके, मेंटेन रेगुलरिटी इन वर्किंग शेड्यूल। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 4 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर डल पड़ गए, फिर नहीं पढ़ रहे हैं 2 3 दिन, फिर पढ़ा फिर नहीं पढ़ रहे हैं, ये मत करिए। 5 घंटे आप पढ़ सकते हैं पर डे, ठीक है 5 घंटे ही डेडिकेट करिए, 4 घंटे पढ़ सकते हैं ठीक है 4 घंटे ही पढ़िए, बट मेंटेन रेगुलरिटी। रेगुलरिटी इज़ द की टू सक्सेस। ओके, तो रेगुलरिटी बहुत मेंटेन करना ज़रूरी है। ओके, डोंट रेस्ट्रिक्ट, लाइक मैंने पहले बोला कि डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, कि मुझे निमसेट देना है तो मैं निमसेट के ही मॉडल पेपर लगाऊंगी, मुझे के आई टी देना मैं के आई टी के ही मॉडल पेपर लगाऊंगी, मुझे बी एच यू देना है मैं जे एन यू के पेपर नहीं देखूंगी। डोंट डू दिस थिंग। आपका टारगेट एग्जाम कोई भी हो, आपको बी एच यू मीन्स अगर आप निमसेट है तो भी बी एच यू जे एन यू एंड निमसेट के पेपर आपको सॉल्व करने हैं, बी एच यू हो तो भी आपको तीनों के पेपर सॉल्व करने हैं। हाँ, बी एच यू में आप थोड़ा सा, क्योंकि बी एच यू का पेपर काफ़ी ईजी लेवल का आ रहा है, बी एच यू अगर आपको देना है तो आप जे एन यू छोड़ सकते हो, पर फिर भी निमसेट के रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो वो अटेम्प्ट ज़रूर करो। मैथमेटिक्स पे तो ध्यान, अगर बी एच यू आपका टारगेट तो निमसेट के रीजनिंग के क्वेश्चन पे ध्यान दो, बट ये मत सोच के चलो कि मेरा टारगेट एग्जाम ये है तो मैं खाली इसी के पेपर दूंगी बाकी के नहीं दूंगी। डोंट डू दिस। मैंने पहले भी बताया है कि एक पेपर के क्वेश्चन दूसरे पेपर में देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए कोशिश करो कि जितने भी तुम्हें मॉडल पेपर देने को मिल रहा है उसे दो, क्योंकि पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कुछ जान ही रहा है, जब मैक्सिमम मॉडल पेपर देने की कोशिश करिए। ओके, सो आई फिनिश माई पार्ट, नाउ लेट मी आंसर योर क्वेश्चन एंड बाइंड अप दिस सेशन। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो और कोई टीचर ना हो तब कैसे क्लियर करें उस क्वेश्चन को? सी रितिक, कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो पहले तो गूगल पे सर्च करिए, आपको गूगल पे उससे मिलता जुलता सॉल्यूशन कोई ना कोई ऑफकोर्स मिल जाएगा। उसके बाद नहीं मिलता है तो ट्राई टू कॉन्टैक्ट एनी टीचर, कोई सीनियर से हेल्प लो, जो तुम्हारे फैमिली पर्सन कोई हो जिसका मैथमेटिक्स अच्छा हो उससे पूछने की कोशिश करो, नहीं तो किसी टीचर से, कोई भी तुम्हारा टीचर से अगर तुम कांटेक्ट में हो तो उससे पूछने की कोशिश करो। ओके, मिल जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं, अगर आप पीछे पड़ जाओगे आंसर के तो आप किसी ना किसी तरह से पता कर लोगे उसका आंसर। हाँ, अगर ऐसा है कि 120 का क्वेश्चन पेपर है, 120 क्वेश्चन का, आपको 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर आपने मेहनत की, एक दिन लगे रहे, आपको नहीं मिला किसी तरीके से, ठीक है आप छोड़ सकते हो, बट कोशिश करो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाए। यूट्यूब पर साइट फॉर कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए मरला क्लासेस नहीं, काफ़ी सारे निमसेट के लिए तो जितना नेसेसरी कंटेंट होता है वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट, यू कैन फॉलो दैट। मैम एनआईटी टीचिंग के लिए कितना रैंक लाना होगा? सोनिया, डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी, इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी देन 50 के अराउंड आपका रैंक होना चाहिए, देन यू विल गेट एनआईटी टीचिंग। ऑल दी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज आर नेसेसरी टू सॉल्व बिकॉज इन द लास्ट सम क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ जेई एडवांस लेवल। हाँ कोमल, आपको जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं करने हैं। ओके, लीव दैट, जो बहुत जेई एडवांस या नेट जे आर एफ जो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं आप उन्हें छोड़ सकते हो, स्किप दैम, मेन्स लेवल के और बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, फ्रॉम विच चैप्टर वी शुड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, डिपेंड्स ऑन यू कार्तिक, मैंने तो मैट्रिस से शुरू किया था, आप अगर आप मीन्स मैथ से टच में नहीं हो बहुत दिनों से, देन मैट्रिसेस स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स ईजी और अच्छा टॉपिक लगता है मुझे तो मैट्रिसेस, और नहीं तो आप सेट थ्योरी से भी शुरू कर सकते हैं, बहुत लोग सेट थ्योरी से भी शुरू करते हैं, स्टैटिस्टिक्स से आप शुरू कर सकते हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
कंप्यूटर का क्या सिलेबस है मैम? ऋतिक, मैंने सिलेबस मेंशन किया तो लास्ट सेशन था उसमें मैंने सिलेबस मेंशन किया है, निमसेट, जेएनयू, बीएससी, टॉप 5 एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का. यू कैन टेक स्क्रीन शॉट और गेट दी आइडिया ऑफ सिलेबस फ्रॉम देम. ओके, हैकर रैंक पे प्रैक्टिस तो शुरू की बट एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, प्लीज़ कोई सॉल्यूशन बताओ. डोंट वरी जेवी पटेल, आपने शुरू कर दिया है हैकर रैंक पे, ठीक है. अब आप जैसे आपको उन्होंने क्वेश्चन उठाया वो नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन देखिए, डिस्कशन फोरम होता है वहाँ पे सॉल्यूशन मिला लोग डालते हैं, बहुत से कमेंट्स में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से अपन देखिए कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया है, थोड़ा सा आइडिया लीजिए, आपको भी क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे. ओके ओके, सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल दी क्वेश्चंस. फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो यू कैन मेंशन इट ऑन द कमेंट सेक्शन, वी विल आंसर दैट. ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स.